Hello dear students, good morning. How are you? Hope that you will be fine with your family and friends. Today we will learn about the vice. It is the third part of the vice. Before this video, I taught you about the vice. This has been given in present tense. In this video, we will learn about the vice. This has been given in past tense. So let us start the video. See carefully. Past tense. Simple past tense. Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense में पैसिव वॉइस नहीं होता है. अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनना जाएगा. एक्टिव वॉइस में अगर आपका वाक्य कोई भी वाक्य, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है कि रोज और लेटर, ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लिखा है. अगर इस तरह से है तो पैसिव वॉइस में वाज, वर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. दूसरा अगर डिड दिया है, डिड जो है ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेकंड है ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव का है. जैसे हम लिखते हैं ना, डिड यू गो देयर यस्टरडे, ऐसा अगर लिखा है ठीक है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखो, डिड है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वही यहाँ पे लिखा है डिड और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर इस तरह से दिया है तो हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, पैसिव वॉइस में वाज और वर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में उसकी पहचान है, एक्टिव वॉइस को आपको पहचानना है, वाज और वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज बीन, वर्ब बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सभी का मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ना, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो जब पैसिव में जाएंगे तो हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये तो हो गया आपका टेबल, मैंने बताया कि ये आपको इस तरह से एक्टिव वॉइस को देखना है और एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस में हम इस तरह से ये सारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल्स होता है, रूल्स में अपने फर्स्ट वीडियो में, वॉइस के फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ भी आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको पहले जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस कैसे पता चलेगा कि अगर वो टेंस के रूल के अनुसार लिखा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा. तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है और सब्जेक्ट पहचानना है. ये आप पहचान लिए तो रूल्स, पहला जो रूल्स होता है वो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं. फिर एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार और उस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. दूसरा, तीसरा रूल्स, जो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हुई है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, भले ही एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म हो चाहे जिस फॉर्म में हो उसको आपको नहीं देखना है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. फिर अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट लेने के बाद अगर उसके अलावा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया वहाँ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट किया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आएगा. और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर आई के साथ लिखते हैं. लेकिन अगर प्रॉपर नाउन और पोजेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे प्रॉपर राम है तो राम बाई राम ही होगा, या जैसे योर फादर दिया है तो योर फादर ही होगा, चाहे वो आप सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए चाहे आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आए.
पांच रूल्स हैं और पांच रूल्स आप ध्यान में रखिए, उसी रूल को ध्यान में रख के यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको चेंज करता हूँ। वाइस में रमेश मेड अ टेबल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा वाज अ वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अ टेबल। अभी अ टेबल क्या हो गया सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा वाज अ टेबल वाज। दो चीजें हो गई, पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, दूसरा काम इस सब्जेक्ट के अनुसार और इस एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, तीसरा नियम जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करना, तो मेड का मेड ही होता है ठीक। चौथा अदर वर्ड, अब हमने टेबल ले लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे बाई, और इसको प्रॉपर नाउन है तो इसको सेम उसी तरह से हो गया अ टेबल वाज मेड बाई रमेश। दूसरा देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में सेम उसी तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे देखो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने बताया था क्या गाता है एक गीत गाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया अ सॉन्ग, अभी सिंगुलर नंबर हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आ गया वॉज, अभी नॉट लगा है तो यहाँ भी आप नॉट लगा दीजिए अ सॉन्ग वॉज नॉट, अभी सिंग है सिंग फर्स्ट फॉर्म है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें थर्ड फॉर्म में सॉन्ग। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया इसके अलावा कुछ यहाँ बचा नहीं है तो अदर वर्ड इस बात में नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। ऑब्जेक्टिव केस में जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा हर, और उसके पहले हम क्या लगा देंगे बाय फुल स्टॉप, ये हो गया आपका अफर्मेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि जिस तरह से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर आपके पैसिव वॉइस का होना चाहिए, यहाँ पे देखो डिड है हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए वाज होना चाहिए, वाज क्यों क्योंकि ये पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया है। अब इसमें देखो क्या है यू बाई वॉन्ट टू, डिड सी यू यू बाई वॉन्ट टू, तो कोई भी दोनों में से चाहिए ऑब्जेक्ट आप लो चाहिए ऑब्जेक्ट लो, तो मैंने ले लिया माई नोट बुक, वाज माई नोट बुक गिवेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन यू फिर बाई सी है तो क्या हो जाएगा हर लास्ट में वाज माई नोट बुक गिवेन यू बाई हर। ये देखिए ये हो गया आपका ये सारनो टाइप का, ये देखो डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली का, मैंने इसके पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वो है तो हम उसको क्या करते हैं बाई होम में चेंज कर देते हैं बाई होम। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाते हैं बाई होम अबॉर्ड, अब टेंस कौन सा फील्ड है सेकेंड फॉर्म लगा है तो पास्ट सिंपल हुआ वर्ड सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा वॉज, बाय होम अ बर्ड वॉज लास्ट में मेन और थर्ड फॉर्म पी डी फॉर्म है उसका सेकेंड और थर्ड सेम होगा ये हो गया बाय होम अ बर्ड वॉज किल्ड ओके। फिर देखो अगला डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का, इसमें आपको इस डब्ल्यू एच वर्ड को जरा सा भी चेंज नहीं करना है आपको सेम लिखना है वाई, अब यहाँ डिड लगा है नॉट भी लगा है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है योर लेसन ठीक है, तो योर लेसन के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉज वाई वॉज इसके बाद योर लेसन फिर नॉट वाई वॉज योर लेसन नॉट, अब ये देखो इसका थर्ड फॉर्म लर्न बाय यू
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब ये WH वर्ड जो है उस WH वर्ड को सेम कॉपी करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के स्थान पे ऑब्जेक्ट लाना, नाट अपने स्थान पे इसका थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो यहाँ पे कर्ता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये आपका अभी पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए यहाँ पे वॉज बिंग और वर्ब बिंग रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखो ही वॉज टीचिंग मी मैथ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं मी और मैथ दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब आप ऐसा पूछ सकते हो ना, वह क्या पढ़ा रहा है, वह क्या पढ़ा रहा था, मैथ पढ़ा रहा था, वह किसे पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ा रहा था। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है। आप मी को लेंगे तो आई बनेगा, मैथ तो मैथ ही होगा ना, तो आई, फिर आई के अनुसार वॉज, फिर बीइंग, क्या मैंने किए कंटिन्यूअस है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। आई वॉज बीइंग टॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। अभी यहाँ हमने इसको ले लिया तो बचा क्या, मैथ्स बच गया, तो मैथ्स यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, फिर बाई लगाएंगे और लास्ट में ये जो करता है इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देखो ये आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पहले लाइन में सी हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, दूसरा नियम। अब यहाँ नॉट है तो नॉट को उसी स्थान पर वैसे रख दो, यहाँ तीसरे स्थान पे तो यहाँ भी तीसरे पे रख दो। अब ये मेन वर्ब है ट्रेस करना, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे कर देंगे, प्रेस्ड हो जाएगा, प्रेस्ड, सी वॉज नॉट प्रेस्ड। अब बचा क्या है, यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ये आपका बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, यस आर नो टाइप के इंट्रोगेटिव में जैसा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वैसा मुझे भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन इसके अनुसार लगाना है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है, तो फूड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, वॉज ही लगेगा, वॉज फूड ना। अभी कैसा किस तरह का वाक्य है, देखिए कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में मैंने ऊपर आपको बताया कि बीइंग लगेगा, और बीइंग क्या होगा, यहाँ पे नॉट के बाद आएगा, और यहाँ भी देखिए वाज आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ठीक ना, वॉज फूड बीइंग। अब ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड ना, कुकिंग का थर्ड फॉर्म कुक्ड, वॉज फूड बीइंग कुक्ड। अब ये देखो इसको आगे लिख देंगे, अदर वर्ड है फॉर यू बाई सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इतना ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ ये बीइंग छूट गया, ध्यान देना कि ये जब कंटिन्यूस रहेगा तो वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग यूज होगा। यहाँ पे देखिए WH वर्ड टाइप का है, WH वर्ड टाइप में हम क्या करते हैं, सीधा WH वर्ड लेते हैं और कुछ नहीं, जो WH वर्ड है वही WH वर्ड कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ नीम है, इसके अनुसार हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ड, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, और हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ही चल रहा है, जैसा ऊपर की संरचना है वाक्य की वैसा यहाँ भी देखो, और WH वर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी और ये हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ठीक है, वाई वॉज ही ना, इसके बाद हमें क्या लगाना,
बीइंग लगाना, बीइंग अभी इज है इज किराना, यहाँ पे क्या हो जाएगा टीज्ड ना बाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा यू। ठीक, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट में चलते हैं, रूल सबका एक ही है, इतना ध्यान देना। और यहाँ पे एक ही सहायक क्रिया है, लेकिन इसके साथ हमेशा हैड बीन लगेगा, हैड बीन हर सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो हम इसको पहले लाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दो थीप थीप हैड बीन, हैड बीन का थर्ड फॉर्म है ही है, थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए सी पॉच अप बाई, जो यहाँ पे दे है उसको हम चेंज कर देंगे किस में देंगे ना, तो द थीप हैड बीन कॉट बाय देम, ये अफर्मेटिव में है तो हैड रहेगा तो बीन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हैड बीन जो है वो उसके बीच में नॉट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, जैसा बताया उस तरह से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट फिर हैड, इसके बाद नॉट फिर बीन बीन। अब देखो रीजन यहाँ पे पहले से थर्ड फॉर्म है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसा ही आप जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे उतार दीजिए रिटेन, फिर यहाँ पे कर्ता बच गया बाई हिम, ऐसा कर दीजिए बस हो गया। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटेन बाई हिम, ये आपका निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे वॉट लगा है तो वॉट लगा लीजिए सेम, उसमें कुछ भी और नहीं करना, यहाँ पे यू है तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, हैड आ जाएगा हैड यू, और इसके बाद बीन आपका ना वॉट एंड यू बीन। अब इसे थर्ड फॉर्म गिवन ना, अब यहाँ क्या बचा समय ना, वाट ये यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब सेम आ गया, ये आ गया बीन आ गया गिवन, सब एकदम सीरियल जैसा रूल्स है उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। फिर स्टर्डे स्टर्डे, और लास्ट में क्या हमारा बचा है सब्जेक्ट बचा है, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई का क्या हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यस आर नो टाइप का है, देखो यस आर नो टाइप में है पहले ही आएगा, जैसा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का वैसा ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा, हैड माय बुक। अब हैड यहां लग गया बीन बचा, तो बीन यहां पे लिखिए, मतलब हैड और बीन के बीच में दोनों आ जाएंगे, यस आर नो टाइप में ऐसा होता है कि हैड पहले आ जाएगा फिर बीन आ जाएगा ना, हैड माय बुक बीन, फिर brought brought लाना, फिर by you last में question mark। In this way this video is finished here, I hope that you will have understood it. See this sentence and try to change it into passive voice. We will meet in the next video. Thank you.